हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से 1 से 30 तक का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी ट्रिकी वे में। तो चलिए, इसके लिए क्या ट्रिक है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस प्रकार से फाइंड करेंगे, वो भी 1 से लेकर 30 तक का एलिमेंट्स का इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, क्या ट्रिक है, ट्रिक को समझ लेंगे। तो देखिए, इसके पहले क्या लॉजिक है, ज़रा लॉजिक समझ लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करते समय क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, रफ पेज ले लेते हैं। तो रफ पेज में जरा समझेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 2 सॉरी दोस्तों, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 2, और सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, उसके बाद फोर्थ सेल में 18 18 32 32, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट सेल में कितना यूज करना है जरा समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते समय सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद हो रहा है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको एंड स्क्रीन आ जाएगा। तो आसानी से उससे पहले उस वीडियो को देख लेंगे आसानी से, तब समझ में आएगा कि ये क्या है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, मैक्सिमम 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, इसी प्रकार से रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो मैक्सिमम 2 रखने हैं, लेकिन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसलिए 1 ही रह जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, और मैक्सिमम कितना रखना है फर्स्ट सेल में, 2, तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 रख देंगे, पूरी तरह से फुल फिल्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लिथियम का, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट सेल में यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 नहीं रखना है, आपको मैक्सिमम कितना रखना है, 2 रखना है, तो इसलिए 2 रख दिए। और यदि 2 रखे तो कितना अपने पास बच गया, 1 बच गया, और नेक्स्ट सेल में शेयर कर दिया। नेक्स्ट बात करें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, और सेकेंड सेल के लिए कितना शेयर किया, तो 2। इस प्रकार से बोरोन का, तो बोरोन का फर्स्ट सेल में 2, और नेक्स्ट सेल के लिए बच गया कितना, 3, क्योंकि थर्ड सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 तक चल सकते हैं, तो अभी 3 हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन का, तो फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट सेल में कितना बच गया, तो ये 6 हमें फिल करना है, अपने पास कितना बच गया, 4। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो फर्स्ट सेल में 2, और कितना बच गया, तो बच गया 5। नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक नंबर देख के करना है फ्रेंड, ना कि आपको एटॉमिक मास देख के करना है, एटॉमिक मास पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है किस प्रकार से फाइंड करना है, वो देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे 8, तो फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट सेल में कितना बच गया, 2 हमें यहाँ रख लिए, टोटल कितने फिल करने हैं, 8, तो बच गया 6। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरिन का, तो फर्स्ट सेल में 2, और सेकंड सेल में कितना बच गया, तो 7 बच गया। नेक्स्ट बात करेंगे नियोन का, तो फर्स्ट सेल में 2, और सेकेंड सेल में कितना बच गया, 2, यानी कि टोटल फिल करने हैं 10, 2 फिल कर दिया तो बच गया 8। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड जो सेल है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल पूरी तरह से फिल हो गया, क्योंकि देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना रखना था, 8, और 8 फिल्ड हो गया, तो अब जो भी बचेगा वो नेक्स्ट सेल में शेयर करेगा। तो देखिए ये सोडियम का, तो सोडियम का कैसे करेंगे, 2, उसके बाद आपका 8, मैक्सिमम कितना रखना है, 8, और बच गया कितना, 1, क्योंकि 2 8 10, और 1 11, इस प्रकार से फिल्ड हो गया। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, और इसे किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट में 2, और सेकंड में मैक्सिमम 8, और ये कितना बच गया, 8 टू 10, और कितना बच गया, 2, इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करना है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी 13,
और 13 के लिए क्या करना होगा, तो 13 के लिए देख लेना है कि आपको वही करना है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, नेक्स्ट सेल में 8, 2 और 10, और कितना बच गया 3। इसी प्रकार से 14 यानी सिलिकॉन का, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, 2 और 10, और बच गया 4। इस प्रकार से नेक्स्ट बात करेंगे फास्फोरस का, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8, और थर्ड सेल में कितना बच गया, तो 5 बच गया। कैसे? 2 और 10 और 5, 15 पूरा फिल करना है, 15 हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर से, तो 16 नंबर से 30 तक का कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी इजी है, इसका सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, उसके बाद 2 और 10, और बच गया 6। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, सेकंड सेल में 8, 2 और 10, और बच गया 7। उसके बाद आर्गन की बात करेंगे, तो आर्गन का होता है 2, 8, 10 और 8, 18 पूरा हो गया फील्ड, 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो 18 फील्ड हो गया। अब देखेंगे तो आप, तो ये आपका तीसरा सेल भी कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, क्योंकि 8 रखना था तीसरे सेल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 8, और 8 पूरा फिल हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे को शेयर करेगा, तो देखिए दूसरे को कैसे शेयर करेगा, तो यहाँ पे पोटेशियम का, तो पोटेशियम का 2, 19 होता है, 2, 8, 8, 2, 8, 10 और 2, 8, 18, और बच गया 1। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कैल्शियम का 20 होता है, तो 2, 8, 8, और बच गया 2। सभी को देखेंगे करके तो 20 आ जाएगा, 8, 8, 16, 2, 18, 2, 20, 20 फिल करने थे, पूरा हो गया। अब यहाँ पे बात आता है बच्चे कि 21 से 30 तक का ट्रिक अलग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। तो चलिए 21 से क्या ट्रिक है, तो ये ट्रिक है 2, 8, 2, बीच में गैप रखना है, उसके बाद फिर वही करना है 2, 8, 2, बीच में गैप रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे 2, 8, बीच में गैप 2, इसका ट्रिक है ये 2, 8, 2, बीच में गैप। उसके बाद 24 एक्सेप्शन केस है, इसके लिए क्या होगा, तो 2, 8, और लास्ट में एक्सेप्शन केस में लास्ट में 1 रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो मैग्नीज, तो 2, 8, 2 ही रहेगा, जो पहले से आ रहा है वही रहेगा, केवल एक्सेप्शन में 1 रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन के लिए, तो 2, 8 और ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट बात करेंगे क्वाल्ट के लिए, तो 2, 8 और ए गैप रहेगा, और इधर भी 2 रहेगा। नेक्स्ट निकेल के लिए, तो 2, 8 बीच में गैप रहेगा और ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट बात करेंगे कॉपर के लिए, तो ए एक्सेप्शन है, क्या करना होगा कॉपर में, एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन केसेस में आपको लिखना है 2, 8 और क्या लिख देना है लास्ट में, 1 रखना है, क्योंकि देख रहे थे 24 में भी एक्सेप्शन था, 1 रखे थे लास्ट में। और 30 के लिए तो ये हो जाएगा 2, 8 और बीच में गैप, और ये हो जाएगा 2, इस प्रकार से रख लिए। लेकिन ये जो बचे हुए उनको फिल करना है, इसके जगह पे क्या आएगा, तो देखिए पूरा फिल कितना करना है मुझे। देखिए हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 21, कितना ये हुआ 2 और 10 और 2, 12, 12 और कितना और डाल देंगे उसमें, कितना इस सेल में भरेगा कि 21 हो जाएगा, तो 9। उसके बाद बात करेंगे ए 22 के लिए, तो 2 और 10 और 2, 12 और कितना बच गया, तो 10 बच गया, 12, 10, 22। इसी प्रकार से 23 नंबर के लिए, तो 2 और 10 और 2, 12 और बच गया 11, 23। इसी प्रकार से 24 के लिए 2, 8, 10 और 1, 11 हुआ, और फिर कितने फुल करना है 24, तो 11 हुआ, 11 में 13 प्लस करेंगे तब जाकर के पूरा हो पाएगा। 25 के लिए 2, 8, 10 और 2, 12 और 13, 25। उसी प्रकार से 2, 8, 10, 2, 12 और पूरा करने हैं 26, तो 12 और 14, 26। उसी प्रकार से कोबाल्ट के लिए, तो कोबाल्ट का 2, 8, 10, 2, 12 और करना है 27, तो 12 और 15 होगा 27। इसी प्रकार से ए निकेल का, तो 2, 8, 10, 2, 12 और पूरा कितने करने हैं 28, 12 और 16, 28। इसी प्रकार से कॉपर का, तो पूरा करने हैं 29, 2, 8, 10 और 1, 11 है, अब कितना देना पड़ेगा, तो 18, 11, 29। इसी प्रकार से ए 30 करना है, तो 2, 8, 10, 2, 12 और 18, 30।
इस प्रकार से हम लोग 21 से लेकर के 30 तक का ट्रिक क्या है, 2 8 2 2 8 2, एक्सेप्शन में 2 8 1 होगा। और हमें फील्ड कितना करना है, 21 जितना एटॉमिक नंबर पे दिया है उतना ही इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो हमने कितना किया है, 2 8 2 और 8 10 और 2 12, और कितना बच गया 21 पूरा करने के लिए, तो 9, तो 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम लोग 1 से लेकर के 30 तक का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिकी वे में। तो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।